तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी जो है वो हम टेस्ट करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो की एक्सट्रीम 125R और TVS रेडर 125R की यहाँ पे सिटिंग जो कंफर्ट है वो। तो अभी देख सकते हैं आप एक्सट्रीम पे जो है वो दो लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा, मतलब कैसा लग रहा है, कंफर्ट कैसा है? अच्छा है दो लोग के हिसाब से। अच्छा है। यहाँ पे आप हाइट गैप जो है वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइट गैप, मतलब इनका जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गर्दन के लेवल पे जो है वो इनका ये आ रहा है, थोड़ा सा वो ऊंचे बैठे हुए हैं इसमें मतलब एक्सट्रीम में, और राइडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे है। अब हम रेडर पे बिठाते हैं, एक बार रेडर पे बैठिए भैया। अगर यहाँ रेडर पे आप बिठाते हैं तो हम रेडर पे दिखाते हैं बैठने के बाद यहाँ पे दो लोग कैसा जो है वो यहाँ पे इनका रहता है। तो अभी यहाँ पे दो लोग जो है वो रेडर पे बैठे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडर पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो रेयर का पिलियन है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में, और ऑलमोस्ट आइज़ के लेवल पर जो है उनका हेड आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कंप्लीट। तो मतलब कंफर्टेबल ज़्यादा कौन सा लगा, ये वाला या वो वाला? मतलब इसमें बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा उसके हैंडल के लिए वैसे लगता है, तो दोनों सही है बैठने में सही है, दोनों सही है। तो रेयर का जो सीट है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका जो रेयर का सीट है वो थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, जरा सा छोटा है, ये बैठा हुआ है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स ये था एक यहाँ पे सिटिंग कंफर्ट का एक आपको हमने यहाँ पे आइडिया दिया है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स आपकी सभी डाउट्स जो है वो हम क्लियर कर पाए हो, अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।